दोस्तों आज हम बना रहे हैं स्पेशल कोरमा, बिल्कुल डिफरेंट स्टाइल। चलिए स्टार्ट करते हैं, आपको अज्जा बताते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले ये देखिए, प्याज है 4 अदद जो कि मैंने काट ली है। दही है, आप देख सकते हैं घर की जमी हुई दही है, मैं खुद जमाई हूँ, आप देख सकते हैं बिल्कुल जमी है, ठीक है, चेक कर सकते हैं। ये देखिए अदरक लहसुन है साबुत, इसको अभी पेस्ट बना लेंगे। 10-12 लहसुन है, अदरक है, और ये है नमक हसबे ज़रूरत, हल्दी 1 चाय का चम्मच, पिसी हुई लाल मिर्च 1.5 चम्मच, यह है ज़ीरा पिसा हुआ, और यह कुटा हुआ साबुत धनिया, आप देख सकते हैं छोटे छोटे साइड में नज़र आ रहे हैं, और यह है गरम मसाला, छोटी इलायची 4 अदद, लौंग 5-6, काली मिर्च है 8 से 10 अदद, और बड़ी इलायची 2, और ये आप देखिए कोरमे का ख़ास अज्जा जो कि है जायफल और जावेत्री, ठीक है। और यह है चिकन, आधे तकरीबन 3 पाव चिकन है, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको ये अज्जा बता देती हूँ जो इसमें जाएंगे, ये बिल्कुल डिफरेंट स्टाइल है, ज़रूर बनाइएगा, बहुत टेस्टी कोरमा बनेगा, ठीक है। पिसी हुई लाल मिर्च, कुटा हुआ धनिया, हल्दी, नमक, ज़ीरा जो कि पिसा हुआ है, ठीक है। अब मैं दोनों चीज़ें इनको अच्छी तरह से मैरिनेट कर लेंगे हम, और कवर करके आधे घंटे के लिए रख देंगे, और इसके साथ ही इसमें हम अदरक लहसुन जो आप ये देख रहे हैं मैं पीस लेती हूँ ये भी, और ये जायफल जावेत्री, दोनों चीज़ें पीस के दिखाती हूँ आपको। ये अदरक लहसुन पीस के इसमें ही शामिल करूँगी चिकन में, ठीक है। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद इसको कवर करके रख देंगे 15 से 20 मिनट, ताकि अच्छी तरह से तमाम स्पाइसेस इसमें शामिल हो जाए। फिर हम प्याज को जब तक ये मसाला कवर करके रखते हैं प्याज को गोल्डन ब्राउन, ये देखिए ऑयल मैंने गरम पे रख दिया है, और प्याज को कर लेते हैं गोल्डन ब्राउन। जब तक प्याज गोल्डन ब्राउन हो रही है, जब तक हम मसाले को कवर करके रखे हैं, और बाकी अदरक लहसुन पीस के और जायफल जावेत्री पीस के अभी आपके सामने ही मैं डालूँगी, ठीक है, जब तक प्याज गोल्डन ब्राउन हो रही है। ये आप देख सकते हैं दही को अच्छी तरह से फेंट लेंगे, ठीक है, जब तक प्याज गोल्डन ब्राउन हो रही है, जब तक दही भी फेंट कर चिकन में शामिल कर देंगे, ठीक है। चिकन तो फटाफट 5 मिनट में गल जाती है, बस सिर्फ मसाला प्याज को गोल्डन ब्राउन होने में देर लगेगी, बाकी 10 मिनट में ये वाला कोरमा फटाफट तैयार हो जाएगा, ठीक है। बस ये देखिए दही हो चुकी, अब हम इस दही को शामिल कर देंगे तमाम को इस चिकन में, ठीक है। एक दफ़ा फिर अच्छी तरह से मिक्स, ये आप सोच भी नहीं सकते इतना टेस्टी कोरमा बनेगा, आप ज़रूर इस स्टाइल से बनाइएगा, और फिर मुझे दुआओं में याद रखिएगा, ठीक है। डिफरेंट डिफरेंट रेसिपीज़ ट्राई करते रहा कीजिए, अपने दिमाग से आइडियाज़ निकाल लिया कीजिए, अच्छी अच्छी रेसिपीज़ बनाया कीजिए, घर में बहुत ज़बरदस्त बनती हैं, और मैं तो अक्सर ही डिफरेंट रेसिपीज़ बनाया करती हूँ खुद से, और टेस्ट बेहतरीन ही होता है, और इंशाल्लाह जज़ल आप भी बनाएंगे तो बेहतरीन टेस्ट होगा, ठीक है। बस ये देखिए मुकम्मल तौर पर इसमें जो मसाला जज्ब हो जाएगा, और फिर जो कोरमा बनेगा ना, यम, बस। अब 15 मिनट बाद आपको, जब तक ये देख सकते हैं आप प्याज गोल्डन ब्राउन हो जाए, इसको निकाल लूँ, इसको भी मैं निकाल के फिर आपको बताती हूँ क्या प्रोसेस करना है, ठीक है, पहले गोल्डन ब्राउन हो जाए। ये देखिए प्याज गोल्डन ब्राउन हो चुकी है, अब हम इसको बाहर निकालेंगे और हल्की सी हवा लगने देंगे ताकि ये कड़क हो जाएगी, फिर इसको मसल लेंगे प्याज को, ठीक है। पेस्ट नहीं बनाना है, सिर्फ हल्का सा मसलना है प्याज को, ठीक है। इसको इस तरह से फैलाइए, ठीक है, एक एक प्याज को अच्छी तरह से खोल लीजिए, मैं तमाम प्याज निकाल लेती हूँ, और अब चूल्हा बंद कर दूँगी क्योंकि अभी हमारी चिकन मैरिनेट हो रही है 10 से 15 मिनट, 5 मिनट तो गुजर चुके हैं प्याज ब्राउन हुई है जितने में, तमाम प्याज निकल चुकी है, ठीक है। ये देखिए आप देख सकते हैं गोल्डन ब्राउन प्याज हवा लगने से एकदम कड़क हो जाएगी, फिर मैं इसे मसल लूँगी, ठीक है।
आप भी ऐसे ही किया कीजिए, प्याज को पीसा मत कीजिए, ठीक है। ये देखिए मैंने फ्लेम बंद कर दिया है, ये चिकन मैरिनेट हो रही है। इसमें रह गया था अदरक लहसुन, जो कि मैं अभी अभी डालूंगी, ठीक है। और फिर इसको अच्छी तरह तमाम चिकन में मिक्स कर दूंगी, ठीक है। 5 मिनट और इसको मैरिनेट होने देंगे। ये देखिए हो चुके हैं इसे तकरीबन 10 से 15 मिनट। अब हम इसे ये देखिए गरम तेल में आराम से बिल्कुल डालेंगे और ये तमाम मसाले को मैं हटा के इसमें डाल देती हूँ। अब इसको कवर करके हम 5 मिनट पकाएंगे हल्के चूल्हे पे, ताकि दही फटे नहीं, ठीक है। फिर उसके बाद ऊपर से प्याज, जायफल, जावित्री और गरम मसाला डाल देंगे। ये देखिए तमाम मसाला मैंने डाल दिया है इसमें। अब मैं इसको कवर कर रही हूँ, 5 मिनट बाद खोलूँगी, ठीक है। चूल्हा मैंने बिल्कुल स्लो कर दिया है, ठीक है। ये देखिए 5 मिनट हो चुके हैं और अब हम आपको कवर, ये देखिए ढक्कन खोल के दिखाया, 5 मिनट हो गए हैं और दही बिल्कुल भी नहीं फटी है। ये सिर्फ दही का ही पानी है जो इसमें छोड़ा है। अब हम यहाँ पर चूल्हा कर देंगे तेज़। और ये देखिए प्याज मैंने कूट ली है गोल्डन ब्राउन, आप देख सकते हैं, ये पिसी हुई नहीं है, पेस्ट नहीं है, हल्की सी कूटी है, ठीक है। और ये जायफल, जावित्री और ये गरम मसाला। अब ये तीनों चीज़ें हम यहाँ पर डालेंगे इसमें, ठीक है। पूरी की पूरी प्याज जाएगी और इसका कलर देखिएगा कितना प्यारा आएगा, ठीक है। तमाम प्याज चली गई इसमें, इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे और तेज़ चूल्हे पर ही अभी इसको पकाएंगे 2 मिनट हम, ठीक है। फिर उसके बाद हल्का चूल्हा कर देंगे इसका, ऊपर से ही डालना है गरम मसाला, क्योंकि इस टाइम पे डालने की जो खुशबू आएगी ना, वो आप अपने घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और ये है जायफल, जावित्री, देखिए, जो कि मैंने हाथ से ही छन्नी दुक्के में हर चीज़ को कूट लिया है, ठीक है। अब हम इसको बस 2 मिनट पका रहे हैं, फिर हल्का चूल्हा करके 5 मिनट दम पे रखेंगे, ताकि तमाम ये जो प्याज डाली है, गरम मसाले और जायफल, जावित्री का टेस्ट इसके अंदर अच्छी तरह जज्ब हो जाए। 5 मिनट में ये रेडी हो जाएगी, फिर हम आपको डिश आउट करके दिखाते हैं, ठीक है। ये इसका, ये देखिए आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत लाइट कलर आया है, ठीक है। अब हम इसे कवर कर रहे हैं, 2 मिनट पका लिया है तेज़ चूल्हे पे। अब हम इसका चूल्हा बिल्कुल हल्का कर रहे हैं, ठीक है। ये देखिए बिल्कुल कर दिया मैंने चूल्हा स्लो, ये देखिए आप देख सकते हैं खूबसूरत बिल्कुल और टेस्टी, इतना खुशबू ज़बरदस्त, पिसे हुए ज़ीरे, कुटे हुए साबुत धनिए की, और अब जो जायफल, जावित्री और प्याज डालिए, ज़बरदस्त खुशबू, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ठीक है। बस 5 मिनट बाद आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। चलिए ये आपको मैं, 5 मिनट हो चुके हैं, ये देखिए कोरमा हो चुका है तैयार, बिल्कुल डिफरेंट, टेस्टी, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मैं आपको डिश में निकाल के दिखा देती हूँ, ठीक है। ये देखिए ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये देखिए मैंने डिश आउट कर लिया है कोरमा पूरा, ये देखिए, ठीक है, ज़बरदस्त कोरमा तैयार है, खुशबू बहुत अच्छी निकल रही है। प्लीज़ इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा, ठीक है। बिल्कुल डिफरेंट स्टाइल है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसका कलर भी आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत आया है। चलें, दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। फ़ी अमान अल्लाह। अल्लाह ताला आप सबको दुनिया और आखिरत की तमाम खुशियों से नवाजे, और मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। अल्लाह हाफिज़।